10-15 मिनट बाद मेरे घर से कॉल आया कि तू सच में शादी करने जा रहा है, तो मैंने बोला हाँ मैं सच में शादी करने जा रहा हूँ। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं। देख रहे हो लापरवाही का नतीजा। नहीं मतलब किसने कहा था यार इस गाने को इतना सीरियसली लेने का। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये गाना आने से पहले ही इन लोगों ने जो है ये हरकत कर लिया था, और मुझे सच्ची बताऊं तो यार देख के झटका लगा। जैसे ही मुझे पता चला तो जाकर के मैंने सर्च किया, और मेरे फैमिली मेंबर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि टिकटॉक और रील को बहुत ही तगड़े तरह से फॉलो करते हैं, और उन लोगों को जैसे मैंने बताया कि देखो मैंने क्या देखा है यार, वो लोग कह रहे ये तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग तो कब से देख रहे, पिछले एक साल से देख रहे, और ये दोनों ऐसे ही है। साला इन लोगों को देख करके ना मुझे ये एहसास हो रहा है हमारा बचपन तो बस ऐसे ही टॉफी और सात गोटी और क्रिकेट खेलने में निकल गया, असली गेम तो ये लोग खेल रहे। देखो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ कि भाई ये सहवाग नाम का जो लड़का है ना, इन्होंने प्रॉपरली शादी की है, और इनकी शक्ल आप देख करके समझ सकते हो कि इनकी एज क्या होगी, और इनकी जो बीवी है उनकी एज क्या होगी। ये दोनों आपस में शादी कर ली, इन लोगों ने रात रात भर बैठ करके जो है चैटिंग की है, एक दूसरे से प्यार भरी बातें की है, और प्लानिंग की है कि इनको शादी कब करनी है। यकीन मानो यार इस एज में जो है हम लोग ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कल किसको फोड़ना है और कल जाकर के कौन से एरिया में कौन सा टूर्नामेंट खेलना है। भाई इन सारी चीजों में बिजी थे, हमें तो लड़की नाम की चीज के बारे में पता ही नहीं था, और गलती से जब हमें पता चला था तो लोग ऐसे कर रहे थे छी 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 छी, इस उम्र में लड़की के बारे में सोचता है, ओ अंकल आंटी ओ पड़ोसी जान लो ये लोग भी जो है ना आजकल क्या कर रहे हैं। देखो सच बताऊं तो इन लोगों को देख करके सिंगल लौंडों की जितनी जली है ना उतनी किसी की नहीं जली होगी, और उन लड़कियों की तो बहुत ज्यादा जली होगी जो अपने बॉयफ्रेंड को तू तड़ाक से बात कर रही है। वैसे इन लोगों का ये वीडियो देखने के बाद ही मुझे समझ में आया है कि भाई वो लोग तो बहुत ही ज्यादा गए गुजरे जो कि अपने रिलेशनशिप में तू तड़ाक और तेरी माँ की तेरी बहन की करते रहते हैं। नहीं यार देखो यार इस लड़की में कितने ज्यादा संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं, आप के अलावा बात ही नहीं कर रही है, और लौंडा लौंडे से पूछो यार शादी कब हुई है। तो हमारी शादी कब हुई थी, हमारी शादी 21 मतलब नहीं मतलब ये हालत होती है। देखो आज मैं भी बता रहा हूँ कि मैं अपनी बीवी का नाम पिछले एक साल से भूल चुका हूँ, और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ जान जान जान, उसे नहीं पता है कि मैं उसका नाम भूल चुका हूँ। लेकिन ये भाई साहब अभी शादी को 6 महीने हुए और ये जो है अपने शादी का डेट भूल गए हैं। वीडियो का एंड तक देखना, मैं कोई भी टॉक्सिक चीज नहीं फैला रहा हूँ या फिर ये नहीं कह रहा हूँ कि जा करके हेट करो। मेरा एक बहुत ही लॉजिकल सा सवाल है जो शायद हो सकता है कि मेरे हिसाब से लॉजिकल हो आपके लिए ना हो, लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है कि बेटा खिलाओगे क्या। और एक बहुत जेन्युइन सा सवाल है कि आप पबजी के बारे में बात कर रहे थे या फिर सच में प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, क्योंकि ना ही किसी का काजू केला बना था और ना ही किसी का अंगूर तरबूज बना था। कैसे यार, मैं कोई चाइल्ड अब्यूज वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो एकदम लॉजिकल है वही बात कर रहा हूँ। नहीं अभी तुम लोग कहोगे कि हमारे संस्कृति में जो है एक समय पे लड़का लड़की के बीच में जो है शादी होती थी बचपन में, तो वो शादी का मतलब होता था शादी फिक्स हो जाना, शादी के बाद में नहीं होता था भाई। और देखो ये जो नए नवेली दूल्हा और दुल्हन बने बैठे हैं ना, ये प्रॉपरली साड़ी पहन रही है, ये भाई साहब घुमाने लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जिस उम्र में मेरा बाप मुझे फोन यूज नहीं करने देता था, नोकिया का वो सड़ा सा डब्बा, उस उम्र में इस भाई साहब को स्कूटी दे रखा है। अरे इसकी माँ का मतलब, इसको कोई ट्रैफिक हवलदार पकड़ता भी होगा, और अगर पकड़ता भी होगा तो क्या बोलता होगा, देखो साहब मुझे जाने दो, मैं हस्बैंड हूं और ये मेरी वाइफ है। भाई ये बंदा है, लाइसेंस छोड़ो, सबसे पहले तो अरेस्ट हो जाएगा वो बाल विवाह के चक्कर के यार। तो चलो यार इनके मुंह से सुनते हैं कि इनका हुआ क्या था। कि हम शादी करने जा रहे हैं तो कोई सच मान ही नहीं रहा था, क्योंकि मैंने मेरे घर पे भी बताया था, काफी बार बता चुका था कि हमको शादी करनी है अभी, तो मेरे घर पे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये मजाक कर रहा है। तो सुन लिया ना कि भाई इन लोगों ने जो है घर में पहले से बोल रखे थे हम शादी करने जा रहे हैं, हम शादी करने जा रहे हैं, और इनका कहना है कि वो लोग मजाक में लेते हैं। अरे यार तुम जैसे लड़के अगर ये कह दे कि मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ तो भी बाबा मजाक में लेते हैं यार, तुमने तो शादी को ही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 2021 में जो है कन्याएं बहुत बड़ा बड़ा काम कर रही है। चलो यार जाने दो, इनका जो व्लॉग है वो ठीक है, जो भी है जैसा भी है इसको जज नहीं करते, क्योंकि हर कोई धीरे धीरे वीडियो बनाते बनाते ही सीखता है, जैसे कि मुझे भी नहीं आता वीडियो बनाना पर फिर भी मैं बना रहा हूं ना यार, तो इनका वीडियो को जज नहीं करते। मेन बात ये है जो कह रहे हैं कि आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, मतलब इस कहानी के नीचे में जाके लोग जो कमेंट सेक्शन पर लिख रहे हैं ना बॉस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि चलो यार इन लोगों ने फाइनली शादी तो किया, चलो यार इन लोगों के पास में सच्चा प्यार तो है। देखो यार मैं सच्ची बता रहा हूँ, और ये चीज जाकर के सहवाग भाई को कोई मत बताना, इनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव तब आएगा जब इनके अंदर में हार्मोनल चेंजेस आएंगे, उस वक्त में समझ में आएगा कि यार वो अच्छी है ये अच्छी नहीं है, और ये अच्छी है वो अच्छी नहीं है, कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स आएंगे। इन लोगों ने देखा ही क्या है यार, सीरियसली बता रहा हूँ क्या देखा है यार, मोहब्बत में दिल टूटना, कोई आई और उसके बाद से मिली नहीं,
उस चीज की कसक किसी को देखने के बाद से पहली फीलिंग्स और फिर उसी के साथ में रह करके लड़ाई झगड़ा करने के बाद में समझ में आता है कि मैंने बहुत गलत चीज को चूज कर लिया है। अगर रिलेशनशिप में ग्रेजुअली कुछ होता है यार, वो तो फील ही नहीं किया ना, सीधा एक रात को बात किया, दूसरे दिन जाके एंगेजमेंट कर लिया, अच्छा होने के बाद शादी कर ली, और उसके बाद में क्या बोलेंगे जब हम बच्चे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार कि हमारी दादी अम्मा नानी अम्मा और जो पर नानी पर दादी हुआ करती थी तो सही कहती थी, मैं तो 13 साल में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। ये फिर से दोहराने वाली है हिस्ट्री। तो वापस आते हैं सवाल पे कि भाई वो लोग जो जाकर के लिख रहे हैं, इतना तो सोचो यार कि अगर ये चीज अच्छी होती, ये चीज अगर सही होती तो पूरी इंडिया फॉलो कर रही होती, और कहीं अगर ये वायरल कपल हो गए और अगर मान के चलो कुछ महीनों के बाद 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, लोग इसको देख के मोटिवेट हो जाएंगे और बोलेंगे चलो यही कॉन्टेंट डालते हैं, अब यूट्यूब में वायरल होने का सबसे दमदार तरीका यही मिल रहा है अभी, कर डालते। कोई मोटिवेट मत होना, और जो भी मोटिवेट हुए ना हाथ धो लोगे अपने बचपने से, अपने उन सारी शरारतों से, फिर तुम्हें जो है अपनी मुंह चुगानी पड़ेगी, मर्दानगी की दिखानी पड़ेगी, देखो मैं हस्बैंड हूं, और फिर तुम्हारा बचपन का प्यार बचपन तो ले ही जाएगा। देखो जो टीनेज से लेकर के आफ्टर टीनेज का जो टाइम आता है ना, वो जो मजा होता है, हर तरह की मस्ती, हर जगह पे जाना, कुलापन, तुम्हारे अंदर में आजादी होती है, वो चली जाएगी यार। इस कंटेंट को देखने के बाद में ना दो तरह के लोग दो तरह की सोच अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। एक सिंगल लोग जो कह रहे होंगे यार क्या सही है यार, मतलब प्यार मिल गया, शादी हो गई, अब मजे ही मजे। दूसरे जिनकी शादी हो गई वो कहेंगे यार क्या कर लिया तूने भाई, तेरे पास ना बहुत कुछ था करने के लिए, तू बहुत कुछ कर सकता था, तू बहुत कुछ कर सकती थी, लड़का लड़की दोनों के लिए कह रहा हूँ, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन बाय द वे जो भी हो, इन लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की है, इनकी फैमिली ने फुल सपोर्ट के साथ में एकदम धूम धड़ाके से शादी की लॉकडाउन के बीच में, और लॉकडाउन के बीच में धूम धड़ाके से शादी, क्या मजाक था, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और मैं दिल से कहना चाहूंगा गॉड ब्लेस यू गाइस, और आपकी शादी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ में, आपकी शादी में वो सारी चीजें हैं जो एक कामयाब शादी में होती है, एंड दिल से यही दुआ है। अब अगर आप इस बारे में पहली बार सुन रहे हो और आपको अभी पता चला है तो आपका क्या रिएक्शन है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू वन थिंग, प्लीज डोंट हेट देम, कोई भी जाकर के उनके चैनल पे या फिर उनके इंस्टाग्राम रील पे जाकर के हेट मत फैलाना, सबकी अपनी अपनी लाइफ है और सब अपने तरह से जी सकते हैं, लेकिन जो मेरे दिमाग में थॉट था वो मेरे दिमाग में आया और मैंने बताया। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपकी क्या सोच है वो जरूर बताना। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, जितने भी अंडर 18 है, जितने भी 19 के अंदर में है, उन लोगों से एक ही गुजारिश है, प्लीज डोंट मोटिवेट, ऐसी चीजों को देख करके मोटिवेट मत हो जाना, क्योंकि शादी वो लड्डू है जो नहीं खाता उसको लालच आती है, और जो खा लेता वो पछताता है। तो भाई इस टॉपिक को समझने के लिए अभी बहुत समय बाकी है, एंड अकॉर्डिंग टू मी प्लीज डू इट आफ्टर 25, इट विल बी सो गुड फॉर यू, इस समझ के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, दिस इज द बेस्ट टाइम आफ्टर 25। कमेंट करके जरूर बताना आपकी राय क्या है, और अगर आप चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, साइन एंड अस्ता ला विस्ता।